नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। विद्युत विभाग के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। जी हाँ, आज गदरपुर के भोला कॉलोनी वार्ड नंबर 3 में एससी समाज के लोग जहाँ रहते हैं, वो लोग अपने जीवन यापन करने के लिए पशुपालन करते हैं। आज विद्युत विभाग की एक और बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली। भोला कॉलोनी रोड पर स्ट्रीट लाइट का पोल है, उस पर नंगी केबल लगी हुई है। पूरे पोल में करंट आ रहा है और बेमौसम बरसात भी बरस रही है। आज सुबह एक सुअर और उसका बच्चा उस पोल से जाकर टकरा गया, जो कि मौके पर ही मौत हो गई। इसके मालिक स्वामी को मालूम पड़ा तो वह भी पोल पर जाने के लिए उन जानवरों को छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन किसी ने सावधानी दिखाते हुए कहा कि इस पूरे पोल में करंट है, आप इस पोल पर हाथ ना लगाएं। वार्ड नंबर 3 के सभासद ऋषभ कंबोज भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई और वहां के लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और कहा, हमारा लगभग 30,000 का नुकसान हुआ है। सभासद सहित लोगों ने विद्युत विभाग से मुआवजे की मांग की है। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता सानूर अली की रिपोर्ट। मैं ऋषभ कंबोज, वार्ड नंबर 3 सभासद, गदरपुर नगर पालिका। ये मेरे को ये भोला कॉलोनी में सचिन भाई हमारे जो रहते हैं, उनका सुबह मुझे फोन आया कि एक बार आप भोला कॉलोनी में आए और कुछ लापरवाही लोगों की वजह से आज हमारी एक जानवर की क्षति हुई है। और यहाँ पे वो तार वायरिंग की सूचना कई बार मौखिक रूप से दे दी गई थी, जिसके बावजूद भी देखिए आप, वायरिंग हम खुद देख करके आए हैं, उसमें कई सारे कट लगे हुए हैं। और जिसे जानवर ही नहीं, प्रत्येक कितने घर यहाँ पे नौजवान बच्चे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो दिन रात शाम को खेलते हैं। किसी को भी इसकी अगर वहाँ पे कोई भी अगर हाथ लगाए तो उसको भी शायद इससे बहुत बड़ी घटना और भी अप्रिय घटना हो सकती थी। और देखिए आज वो हमारे एक जानवर, वो भी आज उस करंट से मर चुका है, और जिसकी लापरवाही सीधा सीधा ये बिजली विभाग और ये नगर पालिका जो ठेकेदार जिन्होंने ठेका ले रखा है, एक उनकी जानकारी उनको देने के बाद भी उन्होंने भी नहीं इस पर ध्यान दिया, इनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं नहीं था पहले ये, और मुझे बताया गया कि मैंने सचिन जिनका जानवर ख़त्म हुआ है, उन्होंने बताया कि 3-4 बार हमने पहले बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं आए। और मेरी जानकारी में आज ही मेरे को जानकारी आई है कि ऐसी ऐसी भी वायरिंग में स्पार्किंग वगैरह पहले से भी कई बार होती चली जा रही है, और उसके बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और आप एक बार मौके पर आइए, जब मैंने देखा तो वहाँ पे वास्तव में जो चीज़ बोल रहे थे वो सच्चाई में दिखाई दे रही। हम यही मांग करते हैं उनसे कि जो क्षति होनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन इनको जिनका जानवर ख़त्म हुआ है उनको एक मुआवजा दिया जाए, और जिनकी ये लापरवाही से घटना हुई है उनके विरुद्ध कार्रवाई। भोला कॉलोनी के वार्ड नंबर 3 में मंजू नाम है मेरा। 2 महीने से कह रहे हैं वो लाइट जो तार टूटे हुए हैं, कह रहे हैं तारों को ठीक कर दो, कोई लापरवाही नहीं करने, ठीक ही नहीं करने का मतलब है। 2 बच्चे मेरे, पहले 2 लड़के बचाने के लिए लाइट खींचने के बंद कर दो लाइट, जब लाइट बंद करने देखा तो चलो दिमाग से उतर गई कि ना बंद कर रहे। और ये एक बच्चा आया सूर्य का, फिर बाद में वो बड़ी सूर्य उसी टाइम खत्म होती है। मेरा लड़का भी खींचने के लिए चला, किसी ने सतंदर भैया हमारे पड़ोस का, उन्होंने बोला कर इसमें करंट आ रहा है, इसे मत खींचो। और 8 बजे से फोन कर रखा, कोई लाइट वाला नहीं, कोई नहीं आया है। ये देखो किसी अधिकारी को, सब अधिकारों के द्वारा फोन कर करके थक गए, कोई नहीं आया है। इधर मेरे घर वालों का भी एक्सीडेंट हुआ, बताओ उनकी दवाई लेने के लिए जाना है, जब भी हम इसके पीछे बैठे हुए। 30,000 के आसपास के है ये देखो, 3,000 का तो बच्चा ही बच्चा है ये देखो। मेरे लड़के को झटका लगा था, जब भी उसने देखा ये सूर्य आई है तो सूर्य एकदम चिपक गई है। मेरे बड़े लड़के को झटका लगा पहले, 30,000 का नुकसान है, 30,000 के जानवर है ये, और छोटे छोटे बच्चे भी छोड़े हैं सूर्य ने। ये देखो कभी 1 महीना होया आए हुए सूर्य, मेरे जानवर मंजू हूँ मैं, मेरे ये सूर्य जो है मेरी है। किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश बिजनौर के थाना क्षेत्र मंडावली क्षेत्र में आज सुबह बारिश हुआ, ओले का कहर बरसा, जिसमें किसानों की फसलों में काफी नुकसान पहुंचा, जिससे किसान काफी परेशान है। बिजनौर से हमारे संवाददाता कुलदीप त्यागी की रिपोर्ट। ठीक है साहब, अपना परिचय देंगे पहले? अरे हम तो रामनगर से बोल रहे हैं भाई। आपका नाम क्या है? महेश नाम है। महेश कहाँ के निवासी हैं? रामनगर। तो क्या आपको इस ओले और बारिश से कोई नुकसान है? बहुत नुकसान है, गेहूं निकले पड़े हैं और उसमें ओला पड़े हैं। क्या हुआ? बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो गया, बहुत तगड़ा ओला पड़ा, बहुत काफी टाइम तक पड़ा। हाँ, सफेद ओला होगी। तो आपकी आपकी फसल को काफी नुकसान है? बहुत नुकसान है। गेहूं इस टाइम निकाल पे है? निकल गया गेहूं। अच्छा, निकला ओला पड़ा, निकला खड़ा है।
चलिए साहब आप बताएंगे कुछ? तीन बार तीन दफा ओला पड़ गया और भारी हो गया, गन्ना नहीं पड़ा, नाश हो गया, सरसों का नाश हो गया, गन्ने की बुआई भी लेट हो गई, मतलब ही ना हो गया, बोने का क्या सब हो गया। लगातार बारिश कई दिन से लगातार हो रही है, लगातार बारिश कई दिन से क्या, दो तीन महीने हो गए तो बारिश। चलिएगा साहब आप बताएंगे कुछ? बता, आप कहाँ, आपका नाम क्या है साहब? मुनीश। कहाँ के निवासी हैं? रामनगर। तो आपको फसल को आपके क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान हो रहा, गेहूं सब एक मुख सब बेकार हो गई, लगातार बहुत बहुत मोटा ओला पड़ा है, बहुत मोटा और काफी टाइम तक पड़ा है, काफी टाइम तक। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फास्ट न्यूज इंडिया चैनल में, मैं कुलदीप त्यागी बिजनौर। पानी अटक गया, पानी चक्रवर्ती तूफान और ओला संग आफत बन बरसा पानी, पूर्वांचल में फसल हुई बर्बाद। जी हां, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, शब्द भेदी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार चौहान व जिला पंचायत सदस्य मनिहारी गाजीपुर उत्तर प्रदेश अपने 50 सिपाहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर जाना किसानों का हाल चाल, जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि ठीक ऐसा ही हुआ। पूर्वांचल में कई दिनों से उमड़ घुमड़ रहे बादलों के बीच बीती रात चक्रवर्ती तूफान और ओले संग अधिकांश क्षेत्रों में हुई बारिश किसानों के लिए आफत बन गई। तैयारी की ओर बढ़ रही गेहूं सहित अधिकांश फसल बर्बाद कर किसानों के कमर तोड़ दी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, शब्दभेदी सेना प्रमुख उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि बड़े पैमाने पर धरातल पर आपदा से बर्बाद फसल की जांच हो और सरकार द्वारा किसानों को इसका मुआवजा मिल सके। इस मौके पर श्रीमती अंजू देवी, अंकिता देवी, सुमित्रा देवी, फुलमतिया देवी, राधिका देवी, मनावती देवी, सुनीला देवी, शकुंतला देवी, रुमला प्रभावती आदि लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर के दुल्हापुर से हमारे संवाददाता आकाश चौहान की रिपोर्ट। बर्बाद हो चुकी है। खेती के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? हमारा चना, तिलहन, प्याज, मरचा, आई लौकी लगाए थे और खीरा सब बर्बाद हुआ है। गेहूँ सब कुछ बर्बाद हो गया। आज चार महीने से हम लोग सांड भैंसा रात भर मड़ई लगा कर खेत में बोलते थे, लेकिन इस समय खाने बिना हम लोग मर जाएंगे। इसका कोई आप सरकार आधार दीजिए, आप पानी खाने बिना सब मर जाएंगे, हमारे युवा खाने के लिए कुछ नहीं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जी हां, बिहार के जमुई जिले में माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जमुई में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया, जिसकी मुख्य मांगे समान काम के लिए समान वेतन लागू करना है, शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू करना है, सभी कोटि के शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति प्रदान करना है। बिहार के जमुई से हमारे संवाददाता अकबर अली की रिपोर्ट। सदन में भी जो माननीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि हम देना चाहते हैं, तो देना चाहते हैं तो लेने वाले तो तैयार हैं, आप वार्ता तो कीजिए। वार्ता की ये पहल नहीं कर रहे हैं। विधान सभा और विधान परिषद के अंदर भी ये माननीय सदस्यों के बीच भी
झूठा आश्वासन, झूठी बात कहना चाह रहे हैं और 2015 के समझौता को भी ये लागू नहीं कर रहे हैं। इसका मुझे कष्ट है, उसी के विरोध में आज हम सड़क पर। आप लोग के वेतन को बढ़ाने के लिए तो तैयार हैं सरकार? वेतन बढ़ाने की बात, हम वेतन बढ़ाने की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि हमारी सेवा शर्त क्या होगी। सेवा शर्त के अनुसार एक हर कर्मी का एक पे लेवल होता है, एक उसकी अथॉरिटी होती है। उसके अनुसार आप कलेक्टर साहब को अगर उनके चपरासी और किरानी से कम वेतन मिले तो वो कलेक्टरी कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कर्मी को उनके कार्यक्रम पदाधिकारी से कम वेतन मिले तो जिला शिक्षा पदाधिकारी रह सकते हैं? ये बिहार सरकार की नीति कि एक ही विद्यालय में जो हमारा किरानी और चपरासी है वह भी इन शिक्षकों से अधिक वेतन पाता है, अधिक वेतन पाता है। कल वो सेवानिवृत्त होगा तो उसके जीवन भरण पोषण की भी व्यवस्था है। और ये जिस दिन सेवानिवृत्त होंगे, एक शिक्षक मेरे कह रहे थे कि सर मेरी पर साल ही सेवानिवृत्ति है, तो ये खाली हाथ नहीं घड़ी घंट लेके जाते हैं, परिवार भी इनको नहीं पूछता। सही बात। परिवार, बीवी पत्नी, बीवी बच्चे, समाज के लोग भी नौकरी कहले की पहले उनको उपहास किया जाता है। शिक्षक उपहासित नहीं रहे, इसके यह आंदोलन है। अब क्या कीजिए, क्या निर्णय है और क्या क्या? ये कल हमारा पुनः यही आंदोलन है और कल तक अगर यह नहीं चेते तो अगली रणनीति हमारा जमाल रोड से तय होता है। हम अगली रणनीति बनाएंगे, उसकी सूचना समय पर देंगे। आपका परिचय? मैं अशोक कुमार है, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्यकार समिति का सदस्य। 7 सूत्री मांग रखी और सिविल सर्जन को ज्ञापन दिया। जी हां, बिहार जमुई के सदर अस्पताल में हो रही लूट खसोट घोटाले और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जिले के सदर अस्पताल में कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें अपनी 7 सूत्री मांग रखी और सिविल सर्जन को ज्ञापन दिया। बिहार के जमुई से हमारे संवाददाता अकबर अली की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग में हो रहे धांधली, घोटाला, अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जमुई जिला कांग्रेस की ओर से एक दिवसीय धरना सा कार्यक्रम प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। और हम लोग जितने भी जिला के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित कार्यकर्तागण, सम्मानित प्रखंड के अध्यक्षगण और सम्मानित महिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, सम्मानित युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, सम्मानित अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सब हमारे तमाम माता एवं बहनों, सारे लोग मिलके आज एकत्रित होकर लड़ाई लड़ने के लिए, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होकर आज हम लोग अपनी मांग, जो हमारा मांग है 7 सूत्री मांग है, उसको लेके आए हैं और अपने सिविल सर्जन महोदय को सौंपेंगे। और ये 7 सूत्री मांगों में सबसे प्रमुख मांग है हमारा, पहला, जिला सदर अस्पताल में साफ सफाई में सुधार लाना तथा जनता के लिए अविलंब एम्बुलेंस की व्यवस्था करना। नंबर 2, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था करना। नंबर 3, OPD में मरीजों की जाँच के लिए पर्याप्त संख्या में सरकारी आदेशानुसार डॉक्टर को ड्यूटी पर उपलब्ध करना। 4, मरीजों के लिए CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI जैसी जांच सुविधा को अविलंब शुरू करना। 5, अस्पताल में नर्सों की संख्या को सरकारी आदेशानुसार ड्यूटी पर लगाना। 6, और सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर हर हमेशा अस्पताल में उपलब्ध रहना डॉक्टर को। और 7, जो हमारा सबसे प्रमुख बिंदु और हमारी जनता का आवाज, पूरे जमुई जिले के जनता का आवाज, गरीब का आवाज, जुड़वा का आवाज, किसान का आवाज, महिला का आवाज, अति पिछड़ा का आवाज, हरजन का आवाज, दलित का आवाज, बैकवर्ड का आवाज, फॉरवर्ड का आवाज। सबसे प्रमुख बिंदु यह है कि जमुई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में हो रही दलाली से पूर्ण रूपेण मुक्त कराना अस्पताल को। यहाँ पे दलालों का अड्डा बन गया है और दलालों का इस तरह से अड्डा बना है कि अभी वर्तमान में हमारे पदाधिकारीगण, जो हमारे पूर्व सचिव हैं देवेंद्र बाबू, इन्होंने जब इतना होशियार चीज है और उसके बाद भी इनका अपना पुतों को लेकर जब यहाँ आए तो लोग उनको बहका के यहाँ, जो अब जिसके जो बहकाता है उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि बोलना भी उचित नहीं है और आप जान ही रहे हैं।
तो अब कौन दीदी कौन क्या करते हैं यहाँ से किसको ले जाते हैं उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब इनका पुतों को लोग बहका के ले जा सकता है जो कि मलेपुर के हैं, होशियार हैं, शिक्षित हैं, आप बताइए कि जो ग्रामीण से महिला लोग आती हैं उसके पीछे क्या होगा, उसको क्या होता होगा, कहाँ उसको ले जाता होगा। तो ये दलालों का अड्डा बन गया। तो हम चाहेंगे सिविल सर्जन महोदय से, बहुत अच्छा का बात है बेचारे आए भी अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो प्रमुख बिंदु हमारा ये है कि आप सबसे पहले सरकारी अस्पताल से दलाली के अड्डा को खत्म करें, चाहे वो एम्बुलेंस का दलाल हो या तो जो ले जाते हैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के यहाँ उसका दलाल हो, या जो सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं रहने के बात को बोल के प्राइवेट क्लिनिक में ले जाते हैं बच्चा पैदा होने वाले को, तो उस पर जरूर ये निगरानी करें और इसको अविलंब बाहर करें। और नहीं जब करेंगे तो हम लोग जिला कांग्रेस का लोग स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ ही नहीं बल्कि उस दलाल के खिलाफ भी जिला कांग्रेस कमर कस के तैयार है, और हम लोग अब उस दलाल का भी निगरानी करेंगे, और यदि दलाल पकड़ाएगा सदर अस्पताल में या गेट के बाहर तो भरपुष्ट को मार भी लगेगा। इससे पहले भी आपने सदर अस्पताल पे काफी लूट खसोट का आरोप लगाया था। इसके पहले हमने आरोप लगाया तब जब हमने जांच पड़ताल करने आया और उसमें हमको खामियां पाया गया। खामियां क्या है? खामियां ये है कि जहां 100 बेड का अस्पताल का सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार है वहां 60 है, जहां 32 डॉक्टर का है वहां 9 था, 9 में भी पता चला 2 फरार है। फरार भले चोर बदमाश फरार होता भी है लेकिन डॉक्टर फरार हो, पता नहीं कौन तंत्र, कौन सरकारी तंत्र है, कौन डबल इंजन का सरकार है, जो डबल इंजन के सरकार में डॉक्टर भी फरार होते हैं। बताइए, डॉक्टर भगवान है और डॉक्टर जब फरार होंगे तो मरीज का क्या होगा? तो खैर, इनके कागज में फरार है तो चलो भाई कागज में फरार। और सीटी स्कैन का बात, तो सीटी स्कैन का सुनने में आया कि मशीन भी है, अल्ट्रासाउंड का भी मशीन है, लेकिन उसको चलाएगा कौन, उसका भी व्यवस्था नहीं है। अब उसमें एक डॉक्टरनी का पोस्टिंग हुआ है तो वो महोदय बोल रहे हैं कि हम जाएंगे ही नहीं। अब बताइए, सरकार का आदेश हो और डॉक्टर बोले कि नहीं जाएंगे, सरकार का आदेश हो डॉक्टरनी बोले कि नहीं जाएंगे, इसका मतलब है कि सरकार नाम का चीज है ही आने। न सुधार हुआ, न ही कोई कागज हमारा जिला अस्पताल को, जिला कांग्रेस को उपलब्ध कराया गया, तब आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। और यदि फिर अल्टीमेटम है वो नोट करके नीचे में लिख दिए हैं कि ये 7 मांगे जिला कांग्रेस के द्वारा जनता के हित में, जनता के लिए, जनहित में आपको ज्ञापन दिया जा रहा है, और आशा भी है और विश्वास भी है कि आप इस पे अविलंब खड़ा उतरेंगे और इस पर कार्यवाही करेंगे और इसको रोके। तो आज हम लोग धरना पर है, कल दिन आपको भी धरना पर ऑफिस में ही बैठना होगा, बाहर से ताला बंद हो जाए। जी, अपना परिचय। हरिंदर सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जमुई। जी, धन्यवाद। ये था अभी की कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।